काफी टाइम पहले मैंने अपना चैनल अभिनव होन शुरू किया था। आज अपने सभी पेट्स के साथ वीडियो बनाते बनाते आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो आज मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि अब से पहले हमारे पास किस किस तरह के डॉग्स थे, कुछ खतरनाक, कुछ बहुत ही ज्यादा समझदार। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के पेट्स हमारे पास पहले मौजूद थे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा अपने रोटविलर डॉग से। इस डॉग का नाम था मार्शल, जो कि फुल साइज का एडल्ट डॉग था। हमने सुना था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, तो वो हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे साइज के डॉग तो थे ही, लेकिन हमारे पास एक छोटे साइज का बीगल डॉग भी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी के हाथ नहीं आता। तो मेरा दोस्त उसे चेक करने वाला है कि क्या वो सच में किसी के हाथ आता है या नहीं। खैर, बीगल के बारे में जो सुना था वो सच निकला, बीगल मेरे दोस्त के हाथ नहीं आई। लेकिन अब चेक करने वाले हैं हम अपने मार्शल डॉग की, जो कि रोटविलर डॉग है, उसकी पावर कितनी है। ये बाउंड्री है, अगर अमोक इससे आगे आ गया ना तो अमोक चैलेंज हार जाएगा। ठीक है भाई, ले मार्शल, मार्शल पकड़, पकड़ मार्शल, आ जा मार्शल, ले अमोक, अमोक खींच के रख, खींच के रख, बॉल हाथ में। तू बॉल मत पकड़ा दियो बस इसे यार। मार्शल ले, मार्शल ले, आ बेटे हम चल चल। अरे मार्शल लो, और अभिनव जैसे कि पूरे जान लगा रहा है अपनी। अटैक 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 अटैक। तो आपने देख ही लिया होगा कि पावर के मामले में मार्शल सबसे नंबर वन था। लेकिन अब मैं आपको मिलवाता हूँ पावर के साथ साथ एग्रेशन और समझदारी वाले डॉग से। तो मिलिए लीवो से। लीवो खैर है तो डीवन का बेटा, लेकिन मेरे ख्याल से उसका बाप है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता लग जाएगा। एक बार मैं और अंशुल इसको घुमाने के लिए बाहर लेकर चले गए, लेकिन बाहर जो इसने किया वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब लीवो बच्चा था वो तभी से एग्रेसिव था, इसलिए वो किसी भी चीज को देखकर बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। तो जैसे ही हम उसको घुमाने के लिए कैनल के बाहर लेकर गए, उसने वहां एक सांड को देख लिया, और उसके बाद जो उसने किया वो आपके सामने है। सांड एक बड़ा जानवर है, लेकिन अगर लीवो को हम उसके पीछे छोड़ देते तो वो उसको जख्मी भी कर सकता था, और कुछ वैसा ही लीवो ने घोड़ी के साथ किया। ओ भाई राम से। फिर एक दिन हमने सोचा कि क्यों ना लीवो को उसके पिता से मिलाया जाए, ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन जब उन दोनों को हमने मिलवाने की सोची, डीवन और डीवन का बेटा दोनों के दोनों पूरे गुस्से में आ गए थे। इतना गुस्सा देखकर इन दोनों को मिलवाने का सोचना बिल्कुल मूर्खता कहलाया जाएगा, इसलिए हमने इनको मिलवाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया। गुस्सा करना लीवो की गलत आदत थी, लेकिन उसके अंदर एक और भी खास बात थी। अगर कोई भी चीज उसको सुंघा कर छुपा दी जाए, वो मिनटों और सेकंडों में उस चीज को ढूंढ कर निकाल देता था। और फिर एक दिन मैंने ये चीज चेक करने की सोची। आँख में छोड़ दी। तो गाइस हम करा रहे हैं लीवो को बॉल स्मेल, और इसे मैं छिपा दूंगी। छोड़ दे। अभी ऐसे कैसे ढूंढेगा भाई, मीट थोड़ी ना है। चल भाई ढूंढ, रुक जा भाई, देखो पूरी तलाश कर रहा है। देखो 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 देखो, शिल्पा देख रही है, देख रही है, देखो भाई इसमें से स्मेल आ गई। देखो देखो, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। अरे भाई पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। शिल्पा देख लिया भाई, मिल गई बॉल, मिल गई बॉल, मिल गई चीते को, मिल गई बॉल इसमें, बस लग गया पता।
लीवो ने मुझे और मेरी बहन को पूरी तरह से हैरान कर दिया था, लेकिन हमने सोचा कि एक बार और इस चीज को ट्राई करके देखते हैं। खैर हमारे मेल डॉग तो हर चीज में परफेक्ट थे ही, लेकिन अब बारी आ जाती है फीमेल्स में। हमारे पास एक ऐसी फीमेल थी जो कि अपने जाल को कुछ नहीं मानती थी। उस फीमेल का नाम है दिल्लो, वो भी डीवन की बेटी थी। तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या खास बात थी। जब कभी भी उसे अपने आसपास कोई खतरा दिखाई देता था तो वो अपने जाल से छलांग मारकर बाहर आती थी ये देखने कि कोई खतरा है तो नहीं। तो ये थे मेरे कुछ समझदार, एग्रेसिव और यूनिक डॉग्स। तो इन सब में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।